सबको मेरा नमस्कार। शुक्रवार को और शनिवार को शाम को कौशाम्बी में काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। अफवाहें फैल गई थी कि वहाँ पे लोग अगर इकट्ठे होंगे तो बसों का इंतज़ाम किया जा रहा है इत्यादि इत्यादि, और सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग हो गई थी। पिछले दो दिन में यानी कि कल और आज स्थिति काबू में आ गई है। चारों तरफ दिल्ली में सख्ती बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। हर इलाके के जो डीसी हैं और जो डीसीपी हैं, पुलिस और सिविल प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि उनको ये तय करना है कि उनके क्षेत्र में कोई भी लोग बाहर ना निकलें और अपने गांव में जाने के लिए ना निकलें। इस सख्ती की वजह से पूरे दिल्ली के अंदर लोगों के सड़क पे जाने का सिलसिला बंद हो गया है। मुझे ये भी खुशी है कि लोग अफवाहों की तरफ ध्यान अब कम दे रहे हैं। पहले बीच में जितनी अफवाहें फैली थी, थोड़ा चिंता का ये विषय है कि दिल्ली के आसपास के राज्यों से बॉर्डर के ऊपर अभी भी काफ़ी लोग अंदर दिल्ली के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दिल्ली क्रॉस करके वो फिर उधर से गाज़ियाबाद की तरफ या नोएडा की तरफ निकल सकें। लेकिन वहाँ भी बॉर्डर के ऊपर पुलिस और सिविल प्रशासन मिलके उनको वहाँ पे रोक रहा है, और दिल्ली के बॉर्डर पे गश्त बड़ी सख्त कर दी गई है, जिसकी वजह से अब ये जो शुक्रवार और शनिवार को समस्या थी वो अब नहीं है। मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अभी अफवाहों पे किसी भी तरह से भरोसा ना करें, कोई भी अफवाहों पे भरोसा ना करें। दूसरी चीज़ ये कि कुछ राशन वाले, अभी अभी 10 मिनट पहले मेरे पास फ़ोन आया, हमारे जो खाद्य मंत्री हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से जनकपुरी पे वो पूरी दिल्ली के अंदर राशन की दुकानों पे जा के मुआयना कर रहे हैं। जनकपुरी के अंदर एक राशन वाला है जिसके पास पूरा राशन आया था, लेकिन वो राशन सारा का सारा उसने 24 घंटे में बाहर की बाहर बेच दिया और वो अपनी दुकान बंद करके भाग गया। उसको मैंने अभी अभी होम सेक्रेटरी से बात करके उसके गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। मैं राशन वालों से सबसे कहना चाहता हूँ, ये मौका है आपको अपनी इंसानियत दिखाने का, ईमानदारी से राशन दीजिए, पुण्य लगेगा। और अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की तो फिर ये देख लेना कि जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी आपको। मैं खुद ये इंश्योर करूंगा कि सख्त से सख्त सजा आप लोगों को दिलवाऊं अगर आपने सरकारी राशन की चोरी करने की कोशिश की, अगर आपने हमारे लोगों का हक मारने की कोशिश की, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। तो उसको भी ऑर्डर कर दिया, और कल भी एक ट्रक डाइवर्ट हुआ था उसके भी ऑर्डर कर दिया, उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। हम बख्शेंगे नहीं, उनको ऐसी सख्त सजा दिलवाएंगे कि उनकी रूह कांप उठेगी। ये जो इतनी मुसीबत के टाइम में, जब देश मुसीबत से गुजर रहा है, ये लोग जनता के राशन की और खाने की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह से ये प्रसंग सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको तो राशन मिल रहा है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो लोग कह रहे हैं कि हमें भी राशन दिलवाया जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, दो तीन चार दिन लगेंगे इसको लागू करने में, कि जिन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी हम राशन दिलवाने की व्यवस्था करें। ये हम कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी दुकानों के बाहर उन लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। वो कह रहे हैं हमें भी राशन दो, आपको दिलवाएंगे राशन। तब तक आप लोग जहाँ जहाँ हमने खाने की व्यवस्था की है जिन सेंटर पे, आप वहाँ पे खाना खा के अपना गुजारा कर लीजिए। दो चार दिन का हमें टाइम दीजिए, आपके लिए हम राशन की व्यवस्था कर रहे हैं।